जेएनयू नारेबाजी में नया मोड़, फॉरेंसिक जांच में दो वीडियो निकले फर्जी। दिल्ली सरकार की ओर से फॉरेंसिक जांच के लिए 7 वीडियो भेजे गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 2 वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। वहीं कोर्ट ने उमर खालिद और अनिर्बान को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। बदल सकता है देशद्रोह कानून, मोदी सरकार कर रही है रिव्यू। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने देशद्रोह कानून में बदलाव की मांग की थी, जिसके बाद कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन से कहा है कि इंडिया में धारा 124A के इस्तेमाल पर स्टडी की जाए। आर्मी भर्ती में पैंट शर्ट उतरवाने पर डिफेंस मिनिस्टर ने मांगी रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरनगर में 1100 कैंडिडेट्स को रिटर्न एग्जाम के दौरान सिर्फ अंडरवियर में खुले मैदान में बिठाया गया था। डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने इस मामले में आर्मी चीफ से जवाब मांगा है। टीडीपी पार्षदों की जबरदस्त लड़ाई शर्ट तक फाड़ डाली। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तेनाली म्यूनिसिपलिटी मीटिंग के दौरान तेलुगु देशम पार्टी के 2 पार्षद आपस में भिड़ गए, बाकी मेंबर्स ने किसी तरह दोनों को अलग कराया। इंडिया पाक मैच पर सस्पेंस, हिमाचल सरकार ने सिक्योरिटी देने से किया इनकार। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मैच का वेन्यू 1 साल पहले तय होता है, एन वक्त पर सिक्योरिटी का इशू उठाना गलत है। अंतिम समय में आकर अपनी नाकामयाबी बताना कि हम सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते, इससे प्रदेश का, देश का नाम बदनाम है। खली पर फेक रेसलिंग का आरोप, इंडियन पहलवान का चैलेंज, दम है तो लड़ लो। रेसलर कृष्ण कुमार ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि खली देश को बेवकूफ बनाना बंद करे। खली को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह की फाइट कर सकते हैं। सेंसेक्स में 7 साल में सबसे बड़ी बढ़त, इन्वेस्टर्स ने कमाए 2.5 लाख करोड़। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की वजह से सेंसेक्स 777 पॉइंट्स बढ़कर 23,779 पर बंद हुआ। इससे पहले 18 मई 2009 में सबसे बड़ी एक दिनी तेजी देखने को मिली थी। नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर.com।